नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और आज के इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे मच और वेरी के बारे में, यानी मच और वेरी से किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों के डाउट मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि इसमें मच और वेरी में आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। जितने वीडियोस मैंने पीछे प्रोवाइड किए हैं और आज का वीडियो और आने वाले टाइम में जितने वीडियो मैं आपको दूंगा वो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। ये नहीं है किसी पार्टिकुलर एग्जाम को लेकर मैं चल रहा हूं, ये नहीं है, क्योंकि ग्रामर हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है। तो हर एग्जाम में जितनी वीडियोस मैं करवा चुका हूं और करवा रहा हूं और आगे करवाऊंगा वो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मच और वेरी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मच और वेरी का मीनिंग क्या होता है। मच और वेरी का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, जो सब जानते हैं, है ना, लेकिन मीनिंग से काम बनने वाला नहीं है। मच और वेरी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाने जा रहा हूं। आज के बाद मच और वेरी से कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका, ठीक है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो मच होता है वो डबल फंक्शन करता है। मच आपका एडजेक्टिव भी होता है और साथ में एडवर्ब भी होता है, यानी मच आपका डबल फंक्शन करता है। ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और आपका एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वही सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, वे सारे वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। अब मच के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करवाना हो तो आप मच का इस्तेमाल करेंगे, वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दोनों में पहला डिफरेंस है। वर्ब चाहे एक्टिव वॉइस की हो या फिर चाहे पैसिव वॉइस की वर्ब हो, वर्ब चाहे कोई से भी हो, अगर आपको वर्ब को मॉडिफाई करवाना है तो वी हैव टू यूज मच, है ना, इन प्लेस ऑफ वेरी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि मच का इस्तेमाल कंपेरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। आप जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपेरेटिव एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि डिग्री हमेशा या तो एडजेक्टिव के बनते हैं या फिर एडवर्ब के बनते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के आप डिग्री नहीं बना सकते हैं। डिग्री जब भी बनेगी या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वो आपका एडवर्ब होगा। बस अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डिग्री जो होती है कंपेरेटिव, उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का, वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करवाना है तो हम मच का इस्तेमाल करेंगे, वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि उस केस में मच किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव का। एक बार दोबारा बता देता हूँ, मच हमेशा डबल फंक्शन करता है, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है ना। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो हमें मच का इस्तेमाल करना है, चाहे वो वर्ब आपके एक्टिव वॉइस की हो चाहे पैसिव वॉइस की हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मच का इस्तेमाल हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी नाउन को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो हमेशा मच का इस्तेमाल करेंगे, वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स मच के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आया ना। दूसरा है वेरी। वेरी सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। दूसरी बात, वेरी एडजेक्टिव भी होता है, वो किसी दिन अलग से करा दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना मान लो कि वेरी सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, वेरी किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, वो सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई वेरी नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली बात, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमेशा वेरी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल के साथ हमेशा वेरी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ये होते क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। देखो होता क्या है, जैसे ही पार्टिसिपल आए इसका मतलब होता है एडजेक्टिव, वो क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब अगली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो,
क्या लगा हो, वर्ब में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो वर्ब से बनाया जाता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। जैसे गुड है, बैड है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन वर्ब का भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। अगर वर्ब में आपने आईएनजी लगाया, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो उस केस में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और अगर कोई ऐसी वर्ब जो V3 हो और एडजेक्टिव का काम करती हो, उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इन दोनों बातों को कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि वर्ब भी एडजेक्टिव का फंक्शन करती है। अगर आईएनजी है तो वो बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V3 है तो बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा द बॉय हैज ब्रोकन द फोन। दूसरा, द फोन वॉज ब्रोकन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। थर्ड, द बॉय हैज ए ब्रोकन फोन। ये तीन एग्जाम्पल हैं, इनके जरिए हम समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को और पास्ट पार्टिसिपल को। कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल। द बॉय वॉज स्लीपिंग। फिफ्थ का है, आई सॉ ए स्लीपिंग बॉय। एक बार आप इनको देखिए। देखो, ब्रोकन यहां भी आया, ब्रोकन यहां भी आया, और ब्रोकन यहां भी आया। ठीक है, ब्रोकन है ब्रेक का थर्ड फॉर्म, यानी ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। यहां पे जो ब्रोकन है वो किसके साथ आया? हैज के साथ। हैज यहां पे किसका फंक्शन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये क्या बनी आपकी? मैन वर्ब। और ये जो मैन वर्ब है ये एक्टिव वॉइस की मैन वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट को बना रहा है। यानी ये एक ऐसी मैन वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट को बना रहा है ना, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कहा कि द बॉय हैज ब्रोकन द चेयर द फोन, यानी लड़के ने फोन को तोड़ दिया है ना। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और इस मैन वर्ब का यानी कि इस V3 का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हुआ है। एक्टिव वॉइस का केस है और इस V3 का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए किया गया है। यहां पे जो V3 है उसका इस्तेमाल जो हुआ है ना, वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हुआ है। इस V3 का इस्तेमाल पैसिव वॉइस बनाने के लिए हुआ है, और इस V3 का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हुआ है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये जो वॉज है ना, इसे बी बोलते हैं, और अगर बी के बाद अगर कभी V3 आ जाए, ये क्या आपके V3 है, और अगर बी के बाद अगर V3 आ जाए वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, सर बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, कि द फोन वॉज ब्रोकन बाय द बॉय या बाय द मैन, बाय मोहन, बाय तो आया नहीं। एक बात आपको बता देता हूं, पैसिव वॉइस के लिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं होता। पैसिव वॉइस की पहचान होती है बी प्लस V3, और बी क्या होती है? इज एम आर वाज वर, है ना। यानी बी प्लस V3 इज नोन एज पैसिव वॉइस। ये किसका केस है? पैसिव वॉइस का। यानी कि इस V3 का इस्तेमाल हुआ है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और इस V3 का इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। यानी एक्टिव, ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस का केस है, और ये किसका केस है? पैसिव वॉइस का। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? अगली बात ये है, यहां पे जो V3 है ये न तो कोई टेंस बना रहा है और ये न तो कोई पैसिव वॉइस का केस है, तो फिर ये क्या है? ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा। फोन क्या होता है आपका? नाउन। और जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है।
इसका मतलब ब्रोकन किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का, और ये बना किससे था, ब्रेक से। ब्रेक क्या होती, वर्ब। अगर वर्ब से अगर कोई एडजेक्टिव बना है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के, दो। पहला क्या होता है, प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है, परफेक्ट। ये क्या है, वी थ्री। अगर वी थ्री है तो क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अगली बात, यहां पे जो स्लीपिंग है ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये किसके साथ आई है, बी वर्ब के साथ। अगर बी वर्ब के साथ आईएनजी आए तो टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो हो सकता है प्रेजेंट का टेंस हो, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, वो हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस हो। यहां पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि बी प्लस अगर वी थ्री होता तो पैसिव वॉइस बनता, लेकिन बी के बाद अगर नेचुरल फॉर्म आए, यानी कि बी के बाद एक्टिव वॉइस में आईएनजी ही लगता है, वो कहलाता है आपका कंटिन्यूअस टेंस। हो सकता है प्रेजेंट का है, हो सकता है वो पास्ट का है। इसका मतलब है यहाँ पे जो स्लीपिंग है वो एक्टिव वॉइस में पास्ट का टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है, लेकिन यहाँ पे जो स्लीपिंग है ना, वो स्लीपिंग इस बॉय को मॉडिफाई कर रही है। बॉय क्या है आपका, नाउन, और जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और इस बार एडजेक्टिव जो है वर्ब से तो बना है, लेकिन क्या जुड़ा है, आईएनजी, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। आपको देखना है किसी भी सेंटेंस में कि वो एज ए वर्ब आए हैं, या फिर एज ए पैसिव वॉइस आए हैं, या फिर वो एडजेक्टिव बन के आए हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप मैच्योर वेरी को डिटेल में सीखना और समझना चाहते हैं, है ना। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, बस आपको ये देखना है कि जो वर्ब होते हैं वो एक्चुअल में, वो जो वर्ब है वो किसी टेंस को बना रही है, या पैसिव वॉइस को बना रही है, या फिर वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल दो प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और पास्ट क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अब अगली बात यह है, अगर ये वर्ब है और मुझे मच या वेरी लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, है ना। और अगर ये वर्ब है, हमें मच या वेरी लगाना हो, मान लो किसी सेंटेंस में, और ये वर्ब है चाहे एक्टिव वॉइस की हो चाहे पैसिव वॉइस की, अगेन हम क्या लगाएंगे, मच ही तो लगाएंगे। इस सेंटेंस में अगर हमें मच या वेरी में से लगाना हो तो क्या लगाएंगे, क्योंकि यहां पे जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या लगाएंगे, वेरी। यहां पे जो स्लीपिंग है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब है और ये मेन वर्ब का ही काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, तो अगेन हम, ये वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, मच लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हमें लगाना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, वेरी, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मैंने क्या सिखाया, वेरी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। The minister was criticized second the minister was accept third the minister was praised fourth the minister was humiliated, humiliated का मतलब होता है नीचा दिखाना, अपमानित करना। ये चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ऑप्शन मच और वेरी का है, ऑप्शन है मच और वेरी, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एक बार आप देखिए एक बार।
देखो भाई, ये V3 है, ये भी V3 है, और ये भी आपके क्या है, V3 है, और ये भी आपके क्या है, V3 है। V3 आपके मेन वर्ब भी हो सकती है, किसी टेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अभी मैंने सिखाया था। V3 पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल भी की जाती है, और V3 का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, एज ए पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको सिर्फ इतना देखना होता है, जब V3 आए तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि वो V3 पार्टिसिपल है या फिर वो वर्ब है। अगर पार्टिसिपल होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरी का, और अगर वो वर्ब होगा, चाहे पैसिव वॉइस का हो चाहे एक्टिव वॉइस का, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का। कई बार टीचर्स सिखाते भी हैं, या किताबों में आपने पढ़ा होगा कि कुछ V3 ऐसी हैं जिसके साथ हम वेरी लगाएंगे, कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी है जिसके साथ हम मच लगाएंगे। मैं कहता हूं कि आपको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो पार्टिसिपल बन रहा है या फिर वर्ब बन रहा है। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, है ना, टायर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे, है ना। वैसे कुछ V3 ऐसे भी हैं जिसके साथ हम मच लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो V3 वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है, वर्ब में एक्टिव वॉइस भी हो सकता है और पैसिव वॉइस का। इसका मतलब आज से ये समस्या मैंने दूर कर दी है, आपको V3 देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि वो वर्ब का इस्तेमाल एज ए वर्ब आया है या फिर पार्टिसिपल आया। अगर पार्टिसिपल होगा तो वेरी लगाएंगे, और अगर वर्ब है तो हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। अब एक बात और बताता हूं, अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा होगा ना, तो बी प्लस V3 तो होगा ही। अगली बात, उस सेंटेंस का कोई ना कोई डूअर जरूर होता है। अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस है ना, तो कोई ना कोई डूअर जरूर होता है, बिना डूअर के पैसिव वॉइस हो नहीं सकता। जैसे मान लो मैंने कहा, ए लेटर हैज बीन रिटन, एक पत्र लिखा गया है, तो पत्र ने कुछ नहीं किया, उसको लिखा गया है, तो बनेगा पैसिव वॉइस में। और कैसे बना, ए लेटर हैज बीन रिटन, लेकिन मैंने ये नहीं बताया किसने लिखा, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है, कोई ना कोई तो डूअर होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, राम होगा, कोई ना कोई तो होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसका कोई ना कोई डूअर जरूर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आपकी मदद करेगी मच और वेरी के क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे यहां पे जो V3 है, अगर ये वर्ब हुई, अगर ये वर्ब हुई तो हम मच लगाएंगे। देखो, द मिनिस्टर वॉज क्रिटिसाइज, मिनिस्टर का क्रिटिसाइज किया गया, तो क्या ये पार्टिसिपल है या फिर ये एज ए वर्ब आया है, हो सकता है पैसिव वॉइस भी हो सकता है और हो सकता है ये पार्टिसिपल भी हो। लेकिन एक बात आपको सोचनी है, अगर क्रिटिसाइज किया गया है तो किसी ने तो किया होगा, कोई ना कोई डूअर तो होगा, अगर डूअर है इसका तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का केस है, इसका केस है ये पैसिव वॉइस, इसका मतलब ये वर्ब है, बस ये क्या आपकी वर्ब है, और वर्ब के केस में हम क्या लगाएंगे, मस्त लगाएंगे। कितना आसान था, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आया ना। अगला सेंटेंस क्या है, द मिनिस्टर वॉज असेंट, असेंट का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो यहां पे V3 आया है, अब हमें ये देखना है क्या ये वर्ब है या फिर ये पार्टिसिपल है। तो शर्मिंदा होना, शर्मिंदा खुद से होता है या कोई करता है, तो आपको पता है शर्मिंदा तो खुद से ही होता है, क्यों, क्योंकि मान लो अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है और अगर वो पकड़ा जाए तो कैसा फील करेगा वो, शर्मिंदा। तो शर्मिंदा हम नहीं करते, वो व्यक्ति खुद होता है, खुद होता है, तो ये उस व्यक्ति की स्टेट है, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, और अगर मॉडिफाई कर रहा है तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। बहुत आसान है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। द मिनिस्टर वॉज प्रेज, मिनिस्टर की प्रशंसा की गई, तारीफ की गई, तो यहां पे तारीफ जो की गई, कोई ना कोई तो होगा तारीफ करने वाला, इसका मतलब इसका डूअर है, और अगर डूअर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का, क्यों, क्योंकि यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब है, क्या है, मैन वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, मच का। अगला है ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है नीचा दिखाना, तो किसी ने, किसी व्यक्ति ने तो दिखाया होगा नीचे, कोई ना कोई तो होगा, और अगर यहां पे भी कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई डूर है, तो अगेन हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का। तो आपको आज के बाद रट्टा नहीं मारना है कि कुछ V3 ऐसे होते हैं जिसके बाद हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, कुछ V3 ऐसी होते हैं जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं या फिर मच लगाते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, अगर वर्ब है तो हम लगाएंगे मच, और अगर पार्टिसिपल है तो हम लगाएंगे, अगर पार्टिसिपल है तो हम क्या लगाएंगे, वेरी। अब आगे बढ़ते हैं,
अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो। देखो, द फ्लोर वॉज डेकोरेटेड हिज परफॉर्मेंस एज इंस्पायरिंग। थर्ड, आई लाइक दिस बुक मच या वेरी। सी लव्स मी मच वेरी। मोहन इज डैश रिचर देन सोहन। सिक्स, शी हैज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस डी आपको काटना है। ये छह सेंटेंस है। पहले आप एक बार देखिए कि मच आएगा या वेरी, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। देखो भाई, समझते हैं। देखो, ये वी थ्री है, अभी मैंने आपको सिखाया था। अगर जैसे वी थ्री आए, आपको ये देखना है कि पार्टिसिपल है या फिर ये वर्ब है। तो डेकोरेट करना, फ्लोर को डेकोरेट किया है, तो कोई ना कोई डोर तो होगा। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का केस है। अगर ये पैसिव वॉइस का केस है तो फिर वर्ब है, और वर्ब के केस में हम क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। बहुत आसान है। दूसरा, हिज परफॉर्मेंस इज इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग यहां पे जो आईएनजी है, क्या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर वो वर्ब है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि परफॉर्मेंस कोई एक्शन थोड़ी कर सकती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने तो एक्शन कर दिया। परफॉर्मेंस कोई एक्शन थोड़ी कर सकती है, एक्शन तो व्यक्ति ही करता है। इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में वी हैव टू यूज वेरी इन प्लेस ऑफ मच। थर्ड, आई लाइक्ड दिस बुक। देखो, लाइक्ड आपकी वर्ब है ना? और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब तो वेरी भी है, एडवर्ब तो मच भी है, लेकिन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मच का। तो यहां मैं क्या लिख दूं? मच। सी अलाउस मी, वो मुझसे प्यार करती है, यहां पे भी क्या आएगा? मच। क्यों आएगा? क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मच आता है, न कि वेरी। अगला, मोहन इज रिचर देन सोहन। यहां पे कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मच का ही इस्तेमाल करते हैं। और ही हैज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? आपका नाउन होता है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मच का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? एक सेंटेंस जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, तो टायर्ड के साथ क्या आएगा? वेरी आएगा। क्यों? क्योंकि वो टायर्ड जो है ना, वो आपके वर्ब नहीं है, वो बल्कि मेरी स्टेट है। स्टेट क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाते हैं? वेरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बनता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये छह एग्जाम्पल थे, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। एक दो बातें और बता देता हूं। जैसे मान लो मैं यहां वेरी भी जोड़ दूं, यानी आई लाइक दिस बुक वेरी मच, क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? ये सेंटेंस अब भी बिल्कुल क्या है? सही है। वो इसलिए है, देखो, आई लाइक दिस बुक, लाइक को किसने मॉडिफाई किया?
मच ने किया। मच बेटा यहां पे क्या बन गया आपका? एडवर्ब बना बना ना। अब एडवर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई कर दे वो भी क्या होता है आपका? एडवर्ब ही होता है। डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिग्री के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरी का। तो यहां पे जो वेरी है ना उसने किसको मॉडिफाई किया है? मच को। मच पहले से क्या था? एडवर्ब। और एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है। सिर्फ आपको यह देखना था डिग्री कौन सी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के साथ हम क्या लगा सकते हैं? वेरी। यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं? द फ्लोर वॉज वेरी मच डेकोरेटेड, यानी मच के साथ हम वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मच पहले से ही क्या है आपका? एडवर्ब है और पॉजिटिव डिग्री है। और इसके साथ हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरी का। तो जहां जहां मच है ना वहां हम वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। आपको बार बार रिविजन करना है अगर आपने एक बार में समझ में नहीं आया तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।